आपको मंत्र बता रहा हूं, वो क्लिंग शब्द है। क्या आधा लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, ऐ के ऊपर बिंदी लगती है, अंग हो जाता ना अंग, तो इसका उच्चारण होगा क्लिंग गय, पीछे गय की ध्वनि निकलेगी, क्लिंग क्लिंग क्लिंग। अब एक क्लिंग जो लय नहीं बनता, संगीत में नहीं होता, रिपीटेशन में दिक्कत आती है, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें दोनों तत्व है, राधा तत्व है, पति तत्व है वो सांसारिक सुख देगा, कृष्ण तत्व है आकाश तत्व है वो मोक्ष देगा। इस आराधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं, सरस्वती लक्ष्मी लड़ती नहीं। दूसरी जितनी आराधना है उसमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। तो आपको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। ये सात अनपढ़ स्त्री पुरुष आए तो बता दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए गुरुदेव के पावन चरणों में बैठिए और 15 मिनट के ध्यान की प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव आज्ञा चक्र पे मेरा ध्यान आप स्थिर करें। ओवर टू यू भंवर सिंह जी। सारे बहन भाइयों से प्रार्थना है, अभी अपने गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के सानिध्य में 15 मिनट का ध्यान करेंगे, मुक्ति के लिए जाप करेंगे। जो बहन भाई स्टूडियो में है वो तो जानते हैं, पर जो बाहर से देख रहे हैं वो, और जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो, उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपने को यही मंत्र जपना है जो भी गुरुदेव बता रहे थे, यही वो मंत्र है जो मुक्ति का मंत्र है। किसी को वहम नहीं होना चाहिए कि धर्मेंद्र जी और भंवर सिंह कुछ अलग कर रहे हैं या अलग जप रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम भी यही मंत्र जपते हैं और लोगों सबसे यही मंत्र जपवाते हैं। जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, 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 हाथ पीछे बांधो इनके, जो जो ये बदमाशी कर रहे हैं हाथ पीछे बांधो इनके, हाथ पीछे बांधो। ये प्लेटफार्म कल्की का प्लेटफार्म है, मंत्र जपने का प्लेटफार्म है, मुक्ति का प्लेटफार्म है, ये ड्रामा सेंटर नहीं है, ड्रामा सेंटर नहीं है। कोई कैसी आत्मा हो यहाँ टिक नहीं सकती, कोई कैसी आत्मा जाप करेगी बैठ के, नाटक कोई नहीं करेगी। जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। इस पंजीता में जो भी गड़बड़ नाटक कर रही है उसको कल भेजा था ना, इसको हाथ पैर बांध के जाम श्री कुएं में भेज दो, वहीं जगह इसकी, वहीं रखो इसको, वहीं, इधर आने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी बुला लेंगे, कोई जरूरत नहीं आने की। जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, 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 जय
जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदे
जय गुरुदेव। मेरे यहाँ कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए स्टूडियो से बाहर हो गया मैं, और इस वजह से बारिश हो रही है या नहीं? कोई बारिश नहीं हो रही है, ये कोई तमोगुण की बारिश है, ज्यादा दिन चलती नहीं है। चा, तो चा, वो दोबारा से मैं एंटर नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्टूडियो फुल हो गया था। तो चलिए सब लोग ध्यान से बाहर आ जाइए, मंजीता गुरु बहन से हालचाल पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद ये कार्यक्रम गुरुदेव के चरणों में रखेंगे और जो आत्माएं मुक्ति चाहती है उनके लिए जाम सर का दरवाजा खुलवाएंगे। मंजीता गुरु बहन कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, जय भाई, कमजोरी है बहुत ज्यादा, आपको कपी सी आ रही है बॉडी में ना, चिड़चिड़ापन है, अरे बहुत ज्यादा क्रिया हो गई है अभी, और शाम को बहुत ज्यादा शरीर टूट रहा था 11-12 बजे तक, 10:30-11 बजे। आप बैठ चरणामत लें और जाप करें, चरणामत लें और जाप करें, वो तामसिकता अपने ट्रेक के हिसाब से हैंडल करना चाहती है। ये कल्कि का प्लेटफॉर्म है, हम गुरुदेव के चलाए चलेंगे, तामसिकता के चले नहीं चलेंगे। उनको मुक्ति चाहिए तो नाक रगड़ के गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे तब मुक्ति मिलेगी। वो देखते हैं तुम्हें परेशान करें और ये धर्मेंद्र को कह देगी मुक्ति करा देगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। उनको जिस जगह भेजा गया है वहां से जिस दिन से उनको पता लग जाएगा ना कल्कि अवतार कौन है, वही प्रक्रिया है, गुरुदेव के चरणों में झुकेंगे और जिस दिन रिक्वेस्ट करेंगे ऑनलाइन कराएंगे मुक्ति, ऑनलाइन ऑनलाइन। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। सबको समझ आएगी, सबको, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, सबको गुरुदेव के चरणों में झुकना है और कोई जगह नहीं है कहीं झुकने की। तो चलिए, जो आत्माएं मुक्ति चाहती हैं और जो किसी के भेजे हुए बनाए हुए बांधे हुए बंधन से मुक्त होना चाहती हैं, वो गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमारा बंधन काटो और हमें जामसर भेज दो मुक्ति के लिए। वो सब आत्माएं चली जाएं जामसर, वहां बैठ के यही मंत्र जपें जो गुरुदेव का संजीवनी मंत्र है, और गुरुदेव प्रसन्न होंगे तो आपकी मुक्ति कर दो। इतना आसान है, इतना आसान है। ये जो धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, चाहे अभी देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को बाद में देखें, जब भी कोई देखें, और जिनको मुक्ति चाहिए वो गुरुदेव से प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में जाए बैठ जाओगे तो गुरुदेव मुक्ति कर देंगे। इतने दयालु गुरुदेव, इतने दयालु गुरुदेव, इतने दयालु गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, ये कार्यक्रम अब गुरुदेव के पावन चरणों में रखते हैं। मंजीता गुरु बहन के तमोगुण को शायद समझ में आ गया है? नहीं, सब क्या आ जाएगी, सब क्या आ जाए, सब क्या है, सब क्या है। जय जय। और रोचक बात यह है कि मतलब हम तो सोचते थे तमोगुण की समझ में आ रही है, अब तो देवी देवताओं के भी समझ में आ गए। आजकल देवी देवता भी चैट कर रहे हैं मेरे से और कह रहे भाई मेरी मुक्ति करा दे। बताओ हमारी क्या औकात है किसी की मुक्ति कराने की? ये तो गुरुदेव की है ताकत, जिसके सामने सब सर झुकाएंगे, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो। मैं पर्दे की बातें कहना नहीं चाहता, पर सारे इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं कि जो गुरुदेव ने मेरे से शुरू करवाया था कि चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे देव हो, आज से 2 महीना पहले हमारे पास भीड़ थी दानवों की। अभी पिछले 15-20 दिनों से इस प्लेटफॉर्म से देवों की भीड़ लगी हुई है, देवों की, वो मुक्ति चाह रहे हैं। आपको सुन के खुशी होगी कि इस प्लेटफॉर्म से जो है मानव भी दीक्षित हो रहे हैं, दानव भी दीक्षित हो रहे हैं, और देव भी दीक्षित हो रहे हैं, और सारा वही मंत्र जप रहे हैं।
सारा वो ही मंत्र जपते हैं और उसी गुरु के चरणों में बैठ के जो जपेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी, चाहे देव हो चाहे दानव हो चाहे मानव, एक ही तरीका है गुरुदेव का। और जो नहीं जपेगा उस इसके लिए वो दूसरा काम तैयार है, दूसरा काम तैयार है। सुन लो, साफ सुन लो, साफ सुन लो। और कोई कहीं चले जाओ, अब तो हमें अभी कहना कह नहीं सकते, पर हमारे पास वो चीजें वो प्रूफ आ गए हैं जो कोई टाइम में देव शक्ति जो है, जो त्रेता में द्वापर में जो देव शक्तियां अपना पैनल बनाती थी, वो पैनल हमारे पास है आज। और गुरुदेव के चरणों में बैठ के यही जाप कर रहा है, आपको खुशी होगी, गुरुदेव के चरणों में बैठ के वो पैनल यही जाप कर रहा है। जो आप लोग कर रहे हो, जो ये तमोगुण कर रहा है, वो ही वो देव शक्तियां अवतार शक्तियां कर रही है। जय 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 मंजीता गुरु बहन, आपका भूतों का इंटरव्यू मस्त होता है मेरे घर में। और कुछ कोई देखे ना देखे, आपका भूत का जब इंटरव्यू लेते हैं ना, वो बहुत देखते हैं। वो बोलते हैं गुरु भाई इतना मस्त इंटरव्यू लेते हैं ना, मेरा बेटी भी और मेरे हस्बैंड भी इतना मजे ले लेके देखते हैं दोनों। बोलते हैं धर्मेंद्र भाई मस्त भूतों का इंटरव्यू लेते हैं। और भवर सिंह जी देखो ऐसा है, गुरुदेव ने कहा पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, तो हमको डरने की जरूरत नहीं किसी से, क्योंकि ये जो जैसे गुरुदेव बार बार कहते हैं कि मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई स्वीकार नहीं करता और वो किसी को छोड़ती नहीं। तो ये मंत्र जाप और ध्यान से आपको आपके सामने मौत की सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर आप डरोगे नहीं, फिर मौत मांगोगे तो नहीं आएगी। तो ये तो सो कॉल्ड भूत हैं जिनको आप डरते हो, प्रेत आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। मैं कह रहा हूं इंसान से बड़ी आत्मा कोई नहीं है, इंसान चाहे तो इन सारी आत्माओं को कब्जे में कर सकता है और अनुशासन में ला सकता है, गुरुदेव ने करके दिखाया है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, और मनोरंजक होना इसलिए जरूरी है कि ये क्रियात्मक योग है, क्रियात्मक योग। अगर आप जो पूछते नहीं आप जो पूछते तरीका मस्त रहता है, और कुछ नहीं। ठीक है, वो गुरुदेव ही पूछवाते, हम तो नहीं कुछ कर सकते, हमारी व्यक्तिगत कोई सामर्थ्य नहीं है, किसी की कोई सामर्थ्य नहीं। इसलिए हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हो जो ये दावा करता है कि हम चेतन शिष्य हैं, क्योंकि चेतन का कोई ठप्पा तो लगा के भेज नहीं रहा है ना, किसी संस्था से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये तो गुरु जी के यहाँ पर्ची लिखी जाती है ना, जिसको वो चाहता है उसी को चेतन कर देता। और आप ये समझो कि हम सब ऋषि मुनि है, इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि इस मंत्र में असंख्य ऋषियों की कमाई है। कौन जानता है कि किसी जन्म में हम ऋषि थे और हमने भी ये मंत्र जपा हो, तो इस मंत्र पे हमारा उतना ही अधिकार है, इसलिए हम साधिकार कह सकते हैं कि हमारे बाप ने दिया है, हमारे पिता श्री रामलाल जी सियाग का दिया हुआ मंत्र है, इसलिए हमारा अधिकार है। अब जाकर के धीरे धीरे बात समझ में आनी शुरू हुई है, गुरुदेव की कही भी एक एक बात कीमती है, एक एक बात। ये तो बात बोलो कि आप भी ऋषि मुनि हो जी। धर्मेंद्र भाई जय गुरुदेव। हाँ भाई जय गुरुदेव की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज मुक्ति करा दे भाई, बहुत परेशान। ये कल वाला है क्या जो धमकी दे रहा था? कल वाला ही है ना? अच्छा नाम बता अपना, चल नाम बता, आज देख क्या से? कौन है तू बता, कौन है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ तो बता, नाम बता, क्या नाम है तेरा? और तो बिना नाम के कैसे काम होगा? शर्म किस बात की है? प्रेत योनी भी एक योनी है 84 लाख में से, डरने की बात नहीं है, ये रजिस्टर्ड योनियों में से एक है, भगवान ने छापा 84 लाख, डरो मत, बताओ कौन हो तुम, खुल के बताओ। मेरा नाम तो नहीं। अच्छा कैसे मरा था? फांसी खाके मरा। कब मरा था? ये भी याद नहीं है। तो 200-300 साल, कितने साल पुरानी बात? कुछ याद नहीं है भाई। अच्छा उस समय कौन से राजा का शासन था ये बता दे। अच्छा
फिर हम अपने आप खोज लेंगे गूगल पे। कोई ऐसी घटना तो बता जिससे हमें पता चले भी कितने साल पहले मरा था तू खांसी खा के। याद नहीं है भाई, मुक्ति करा दे तू मेरी। नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो देख लेंगे, लेकिन मेरे को एक बात होता, कल किस चीज की तेरे को अकड़ थी? कह रहा था ना मैं इसको रात होने नहीं दूंगा और मैं मार दूंगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ऐसी धमकियां से अंदरते हैं क्या? तुमने क्या समझ रखे रहे हमारे को है? हम तो नहीं तेरे जैसे हैं, भगवान एक ही है, कल की उतार वही है भगवान। मैंने तेरे ऊपर नहीं कहा, हम तुम्हारी बातें जानते हैं, तुम नाटक करते हो ना, तुम देखते हो कि हमारे कहे हुए मुक्ति कर दे, इसलिए तेरे को आग में डाला था कि एक हफ्ते बाड़ो इसको, पता लग जाएगा, एक हफ्ते बाड़ो, इसलिए तेरे को डाला था। रात को तो इसको तंग कर रहा था कि धर्मेंद्र को फोन करेगा और मुक्ति करा देगा, इसलिए तेरे कहने से मुक्ति नहीं होगी। जो गुनाह करता है उसको सजा मिलती है, जो गुनाह करता है उसको सजा मिलती है। तेने कल गुनाह किया था उसका प्रायश्चित कर, नागरगढ़ प्रायश्चित कर और आज आज और बढ़, कल तेरी मुक्ति कराएंगे, कल मुक्ति कराएंगे, आज नहीं कराएंगे। तेने कल नाटक किया था, दुनिया को दिखाया था, तेने दुनिया को दिखाया था कल नाटक कर रहा था ना, मैं जानता था, मैंने कल ही कहा था तू मुक्ति के लिए आया है अपने तरीके से, मुक्ति गुरुदेव के तरीके से होगी, तेरे तरीके से नहीं होगी। गुरुदेव इसको अच्छा जच्चा के बाड़ो, इसको दुनिया को पता लगना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए सूक्ष्म जगत में कि ये नालायक मुक्ति मांगने आते हैं और नाटक करके आते हैं, तुम्हारे ठप्पे से नहीं होगी। यहाँ नाक रगड़ना पड़ता है, देव और चाहे दानव और चाहे मानव, इसलिए हफ्ते की बात कही थी, चलो कोई बात नहीं कल विचार करेंगे, पर आज मुक्ति नहीं होगी तेरी, आज मुक्ति नहीं होगी, आज मुक्ति नहीं होगी। गुरुदेव इसको जाम से कुएं में डाल दो और बाड़ो इसको, कल ही मुक्ति करेंगे। दूसरों को पता लगना चाहिए कि ये नाटक करने से होता क्या है, होता क्या है। तो मेरे को धमकियां दे रहा था और धर्मेंद्र से मुक्ति चाह रहा है, करवा ले मुक्ति, करा ले मुक्ति। गुरुजी करेंगे, गुरुजी कल कर देंगे, आज कल ही करेंगे, आज आज तो तेरे को बाड़ेंगे। गुरुदेव इसको जाम शर्म बाड़ो इसको, पता लगना चाहिए इसको, दूसरे देखेंगे कि गलती करने से क्या होता है। जाम शर्म में बहुत है तेरे जैसे लाखों, वो देखेंगे कि इसने गुरुदेव के प्लेटफॉर्म पे बदतमीजी की थी, गुरुदेव के प्लेटफॉर्म में बदतमीजी की थी, इसलिए कल बात करेंगे। आज आज गुरुदेव इसको वहीं भेज दो, जाम से भेज दो, बाड़ो इसको जच्चा के बाड़ो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल शाम को आना भाई यहाँ पे, कल शाम तक तो वहीं रह देख, ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए सभी लोग पधारिए, ये भी एक तरह का मनोरंजन ही है, लेकिन ये आध्यात्मिक मनोरंजन है और दूर दूर तक आत्माओं को ये संदेश चला गया है कि मुक्ति के लिए झुकना पड़ता है। जब गुरुजी हमारे को कह रहे हैं कि तुम अंदर से झुक जाओ, तो तुम्हारे को भी वही संदेश लागू होता है, अंदर से झुक जाओ, विनम्र बनो। दुनिया की ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसकी मुक्ति गुरुदेव नहीं कर सकते, वो तो मुक्ति देने ही आए हैं। समझ में आ गई? आप जचा के मंत्र जाप कर भाई, फांसी खा के मरा था ना तो, और गुरुदेव से कह कि मेरा गला थोड़ा सा ढीला कर दो, मंत्र जाप करने में आसानी हो जाए। कल शाम को तैयार रहना, और कल शाम तक अगर तूने इसको परेशान किया मंजिता को, तो फिर देख ले आगे का काम और डिले हो सकता है, विलंब हो सकता है काम में। समझ में आ गई? ठीक है, अब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो और पधारो। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, और इस कार्यक्रम को भी गुरुदेव के चरणों में रखते हैं, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।